गलत लगा रही है, क्यों? कब डर लाग रही हो कि बढ़िया वाला थे तो बेच रही है, गलत लगा रही है। और गांव में कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा ली? अब लगवाया ही कोई, पता नहीं। हाँ पता नहीं। अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको जागरूक भी किया जाता है क्या कोरोना वायरस को लेकर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं अगर कोरोना वायरस को लेकर किस तरह की व्यवस्था है अस्पतालों में, ये कुछ जानकारी है? हाँ जानकारी थे, व्यवस्था कर रही है ना, कर रही है। तो आप वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक? अभी नहीं लगवाई, कब लगवाओगे? अब लगवा लियो। वजह क्या है, क्यों नहीं लगा रहे हो, डर किस लग तरह रही है, की? मैंने क्या गलत लगा रही है, ज़्यादा बीमारी फैल रही है। ठीक, आपको नाम? नाम सीता, कहाँ से? बुढ़ापस्कर। देखा, डर है? कोई तरह का डर नहीं है। लगवाई आपने हाँ वैक्सीन? बिल्कुल कैसा लग रहा है? बिल्कुल, आराम से, सर्विस बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अभियान तो वो सारी चीज़ का व्यवस्था रखना पड़ता है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है, थोड़ा दूर रहना है, हर आदमी से बच के रहना है। गांव के अंदर कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? करीब करीब तो सबने लगवा ली, और ना लगवाते हैं तो उनको हम तो बोलते हैं कि भाई आपको ये पहले ये काम करो। काफी लोगों को डर भी लग रहा है। सही बात है, वो डर इस चीज़ का है कि भाई कि ये लगवाने से मौत नहीं हो जाए, इसलिए नहीं लगवाते हैं। आपने कितनी वैक्सीन लगवा ली? नहीं, मैंने तो एक दफ़े लगवाई सर। दूसरी डोज कब लगवा रहे हैं? दूसरी डोज तो अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। व्यवस्था बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई तरह की कमी नहीं है। अधिकारी वगैरह काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर जी। ठीक, आपका नाम? बन्ने सिंह रावत। काम में वैक्सीनेशन को लेकर यही डर है कि बस इनके जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे दर्द शरीर में दर्द होता है या बुखार होती है, उससे बस दर्द एक दूसरे से सुनकर ही ये डर लग रहा है लोगों को कि यार इसका साइड इफेक्ट है, बस इसी से डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से लिए। गांव में कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा ली? गांव में आधे से ज़्यादा लोगों ने, लगभग 65 से 70% लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा चुकी है, बाकी जो 30-35% लोग हैं वो इसी डर की वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं। कोई ना तो कोई रैली निकाल रहे हैं, और जो यहाँ के जो पदाधिकारी है, जो नेता लोग हैं, वो भी है, कुछ जागरूक अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो जो स्थानीय लोग हैं, जो भामाशाह हैं, जो समाज सेवक हैं, वो ज़रूर आगे आकर लोगों को समझा रहे हैं कि घर पर रहो, सेफ रहो, या फिर जो सावधानियाँ हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको। गांव में कोरोना इलाज को लेकर किस तरह की व्यवस्था मिल रही है? गांव में अभी तक कोई टेस्टिंग वेस्टिंग तो हो नहीं रही है कोविड की, और बाकी जो बस छोटी मोटी बीमारी है उससे लोग बस जो लोकल क्लिनिक है वहीं जाकर इलाज करवा रहे हैं बस। आपका नाम और कौन सा गांव है? बुद्धा सिंह रावत का नाम।